अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा ध्वज डंड, राम मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा ध्वज डंडे। 44 फीट लंबा और 10 इंच चौड़ा है ध्वज डंडे, 5.5 टन वजन का है ध्वज डंडे। तो ध्वज डंड अयोध्या पहुंच चुका है, राम मंदिर के शिखर पर इसे लगाया जाएगा। स्पेशली अहमदाबाद में इसे बनाया जा रहा था और अहमदाबाद से अब ये ध्वज डंड अयोध्या पहुंच चुका है। 44 फीट लंबा है, 10 इंच चौड़ा है ये ध्वज डंड। पिछले कई महीनों से इसका निर्माण अहमदाबाद में एक कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, जिसे अब अयोध्या लाया जा चुका है और मंदिर के शिखर पर इसे लगाया जाना है। 44 फीट लंबा है और 10 इंच लगभग ये चौड़ा है और 5.5 टन वजन है ध्वज डंड का। तो अहमदाबाद से ये ध्वज डंड अयोध्या पहुंच चुका है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये ध्वज डंड राम मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दिया बनकर तैयार हो गया है और यह दिया रामनगरी अयोध्या में ही तैयार किया जा रहा है। करीब 1000 टन मिट्टी से बना यह दिया 251 फीट बड़ा है। दिए को बनाने के लिए पाकिस्तान और नेपाल से मिट्टी भी लाई गई है। तो दुनिया का सबसे बड़ा दिया बनकर तैयार हो रहा है। 1000 टन मिट्टी से यह दिया बनाया जा रहा है और करीब 251 फीट बड़ा यह दिया है। तो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा दिया इसे बताया जा रहा है। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में जो तपस्वी की छावनी में जो दुनिया का सबसे बड़ा दिया जो बनाया जा रहा है, ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ तपस्वी की छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बातचीत के लिए। आचार्य जी, ये बताइए कि सबसे बड़ा दिया आपकी निगरानी में बन रहा है, तो क्या इस दिए की खासियतें और कैसे इसकी प्रक्रिया शुरू हुई? देखिए, जो दिवाली का त्योहार है, राम जी से ही शुरुआत हुई है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानवीय मर्यादा स्थापित करने के लिए जब चक्रवर्ती दशरथ जी के आदेशों का अनुपालन करते हुए जब वो वन चले गए तो 14 साल तक अयोध्या सूनी हो गई, किसी ने कोई त्योहार नहीं मनाया। जब राम जी लंका विजय करके अयोध्या वापस आए 14 साल के बाद में, तो लोगों ने खुशी में दीपक जलाया जो दिवाली का एक त्योहार बन गया। अंधेर नहीं, तो आप उसी अंधेर को मिटाने के लिए आपने इस दिए को आपने तो जैसे अब राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, इसके बाद राम मंदिर बन के तैयार हुआ 22 जनवरी 2024 मध्यान्ह 12:20 पर प्रभु श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भ से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि 140 करोड़ देशवासी जब रामलला के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो तो जो है राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो हमने सोचा कि राम मंदिर की गरिमा के अनुरूप दिवाली मनाई जाए। अब उसके मद्देनजर हम एक साल से हमने इसकी तैयारी में लगातार कर रहा हूँ। हमारी 100 टीमें गठित थी जो पाकिस्तान में जो हिंगलाज हमारा शक्तिपीठ है वहां से लेकर के और वैष्णो देवी से लेकर के नेपाल में जो अपना पशुपतिनाथ मंदिर है काष्ठमांडू में, वहां से माने ऐसा कोई तीर्थ नहीं, सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, समुद्र का जल ले आ करके उसको 100 टन मिट्टी थी इसमें हमने तीर्थों से ले आया 100 टन मिट्टी। हाँ हाँ, फिर यहाँ ले करके फिर इसके बाद 1.25 क्विंटल देसी गाय के घी से इसका अभिषेक किया गया। इसके बाद 108 जो है वैदिक विद्वानों के द्वारा एक बकायदा अनुष्ठान किया गया है 40 दिन का, फिर इसका बेस तैयार शुरू किया गया। जी, कितने समय से प्रोसेस शुरू हुआ है? एक साल से जैसे सब सामग्री इकट्ठा करने में, और लगभग ये 1 महीना होने जा रहा है। अभी हमारा करीब काम सब तैयार हो गया है, अब जो शेष काम है वो कुछ नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। इसमें कुल मिट्टी जो है 1008 टन मिट्टी यूज हुई है, 251 फीट और 1008 टन मिट्टी, 1008 टन मिट्टी इसमें लगी है, 251 फीट का यह दीपक है। अयोध्या अब दिन में नहीं होगा मंदिर का निर्माण, 15 जनवरी तक मंदिर का निर्माण रात में किया जाएगा। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक निर्माण कार्य बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लिया गया फैसला, अयोध्या में आज से एक हफ्ते तक दिन में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। 15 जनवरी तक मंदिर का बचा हुआ निर्माण कार्य सिर्फ रात में किया जाएगा। और आपको बता दें कि 15 जनवरी से 22 जनवरी तक जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्य बंद रहेगा और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह फैसला ट्रस्टी की तरफ से लिया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरण में है, वहीं मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
अपडेट ये है कि आज से लेकर 15 जनवरी तक मंदिर परिसर में निर्माण कार्य नहीं होगा, हालांकि रात में निर्माण कार्य जारी रहेगा। वहीं 15 से लेकर 22 जनवरी की बात करें तो 15 से लेकर 22 जनवरी तक जो निर्माण कार्य रहेगा वो पूरी तरीके से बंद होगा और 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू होगा। देखा जाए तो मौजूदा समय में मंदिर का जो भूतल है और गर्भगृह है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। जो पहला तल है यानी कि जो प्रथम तल है उसका आधा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आधे काम का जो बचा हुआ काम है उसका निर्माण 22 जनवरी के बाद शुरू होगा। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निर्माण समिति के द्वारा ये फैसला लिया गया है। दरअसल कल निर्माण कार्यों को लेकर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने यहाँ पर समीक्षा बैठक की थी और उसी बैठक के बाद यह तय किया गया कि आज से लेकर 15 जनवरी तक दिन में निर्माण नहीं होगा, सिर्फ रात में निर्माण होगा। वहीं 15 से लेकर 22 जनवरी तक निर्माण कार्य पूरी तरीके से बंद रहेगा। वीडियो जनसर्विसिंग के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। अधिकांश